अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। अब मैं आपको चैप्टर 21 का एक बहुत ही अहम लेक्चर करवा रहा हूँ जो सेकंड ईयर के कोर्स में बहुत अहमियत का हामिल है। अब इस टॉपिक का नाम है जी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली दो वर्ड्स के मिलने से बना है, एक स्पेक्ट्रम और एक ग्राफ। स्पेक्ट्रम का ट्रांसलेशन होता है चीज़ों को अलग अलग करना। तो आप चीज़ों को अलग अलग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज और फिर उसका कोई ग्राफ बनाएंगे, इसीलिए इसको मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो लाइट का स्पेक्ट्रम भी बेसिकली लाइट के कलर्स को अलग अलग करना। अगर आप कलर्स नहीं कहना चाहते तो आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को अलग अलग शो करना। तो हम यहाँ पार्टिकल्स को अलग अलग करेंगे उनके मैसेज के लिहाज से, लिहाजा इसका ऑब्जेक्ट ये है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज। अब आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये आइसोटोप्स क्या है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक न्यूक्लियस को लिखने का तरीका, यानी मोड ऑफ राइटिंग न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर फिजिक्स, वो कुछ यूं है ZXA। इसमें जो Z है ये एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और ये जो A है ये मैस नंबर है, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रिहायशी, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। और एक सिंबल ऑफ एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास नियॉन के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर 10 10 10 है, लेकिन मैस नंबर्स डिफरेंट है, 20 21 एंड 22। ये जो Ne है ये X की जगह है, विच इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, विच इज हेयर नियॉन। तो ये आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मैस नंबर डिफरेंट है। एक बात और भी याद रखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मैस नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर होते हैं, मैस नंबर माइनस। मसलन यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 माइनस 10, 10 न्यूट्रॉन है नियॉन के इस आइसोटोप में, जबकि दूसरे आइसोटोप में 21 माइनस 10, 11 न्यूट्रॉन्स है। तो देखिए इन सब के मैसेज डिफरेंट हैं, लिहाजा इन्हें आइसोटोप्स कहेंगे, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं उनके मैसेज के लिहाज से, उसको मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब इसी की एक फॉर्म मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी होता है, उसमें हम ग्राफ नहीं बनाएंगे बल्कि मैसेज के लिहाज से आइसोटोप्स को अलग करके उन मैसेज की मेजरमेंट्स करेंगे। मीटर का मतलब मेजरमेंट, अगर मैं स्पेक्ट्रोमीटर कहता हूं तो उसका मतलब है कि आप उनके मैसेज की मेजरमेंट करेंगे। अगर आप देखें क्लोरीन के ये 2 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 17 17 सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। इसी तरह हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक, जिसमें आप मैसेस के लिहाज से अलग अलग करके मेजरमेंट्स करते हैं, ये टेक्निक सबसे पहले आर्थर जेफरी डेम्पस्टर ने 1918 में पेश की थी। इस टेक्निक को मजीद बेहतर किया फ्रांसिस विलियम एस्टन ने 1919 में। आपके कोर्स में जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो फ्रांसिस विलियम एस्टन वाला है। फ्रांसिस विलियम एस्टन को होल नंबर रूल ऑफ आइसोटोप्स के लिहाज से भी जाना जाता है। इसने एक रूल बनाया था जिसके मुताबिक हर आइसोटोप का जो मैस नंबर है वो हाइड्रोजन के लाइटेस्ट आइसोटोप के मैस नंबर का होल नंबर मल्टीपल है। अब ये देखिए होल नंबर, ये 20 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, ये 21 से, ये 22 से, इसे देखिए 35 होल नंबर आइसो। अब ये जो फ्रांसिस विलियम एस्टन है, इसको जे जे थॉम्सन, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मशहूर है, इसने दावत दी थी 1910 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैवेंडिश लेबोरेटरीज में। और ये मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक डिस्कवर करने पर और ये
होल नंबर रूल ऑफ आइसोटोप्स बनाने पर इसको 1922 में नोबल प्राइज दिया गया। अब हम आते हैं कि ये जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है इसके काम करने का असूल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी थियरी या वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स साइमल्टेनियसली अप्लाई की जाती है, यानी एक साथ अप्लाई की जाती हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आइसोटोप्स के आइंस को एक्सेलरेट कराना होता है और मैग्नेटिक फील्ड का काम उन्हें सर्कल में डिफ्लेक्ट करना होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसको आप स्कीमेटिक डायग्राम कह सकते हैं, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर की एक्चुअल डायग्राम नहीं है। स्कीमेटिक डायग्राम से मुराद ऐसी डायग्राम होती है जो सिर्फ वर्किंग को एक्सप्लेन कर दे। अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें ये एक वैक्यूम चैम्बर है, यहां वैक्यूम पंप है जिसका काम अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस करना है। अब ये जो वैक्यूम चैम्बर है इसमें इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और आपको चैप्टर 14 में मैंने बताया कि डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेपर मींस कि नॉर्थ पोल इस बोर्ड के पीछे है और साउथ पोल बोर्ड से आगे। ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है कि ये चैम्बर है लेट्स सपोज, और ये यू शेप मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस साइड पर है, साउथ पोल इस साइड पर है। अगर मैं इसको बोर्ड में शो करूं तो इस तरह आप समझिए कि ये यू शेप मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये दरमियान में बोर्ड है आपका। अब इस चैम्बर का एक नीचे वाला पोर्शन भी है और इन दो पोर्शंस के दरमियान एक स्लिट S2 है। अभी जो नीचे वाला पोर्शन है और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें डिफरेंस ये है कि नीचे वाले पोर्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बल्कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी देखते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब इस चैम्बर में यहां एक आयन सोर्स है। अब ये आयन सोर्स कैसे बनाई जाती है? इसके बहुत से तरीके हैं। मसलन लेट अस सपोज कि आपके पास नियॉन के ये आइसोटोप्स हैं। अब इनके आयंस कैसे बनाएंगे? आयंस बनाने का एक कॉमन तरीका कि आप हीट अप करें, हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन अमिट हो जाए तो हर एटम पॉजिटिव आयन बन जाएगा और हर एटम पर प्लस ई चार्ज आ जाएगा। दूसरा तरीका कि आप कोई रेडिएशन उन एटम्स में से पास करें, उस रेडिएशन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उन एटम से एजेक्ट करवा दे और वो एटम पॉजिटिव आयन बन जाए। तो ये इसी तरह की एक आयन सोर्स है जहां पॉजिटिव आयन है। लेट अस सपोज कि हमारे पास यहां पॉजिटिव आयंस नियॉन के हैं। अब इस आयन पे एक स्लिट S1 है। अब इस आयन सोर्स और स्लिट S2 के दरमियान आपने एक बैटरी कनेक्ट की है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। अब देखिए ये स्लिट S1 पॉजिटिवली चार्ज हो गई, स्लिट S2 नेगेटिवली चार्ज, और आपने चैप्टर 12 में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। अभी मैंने आपको प्रिंसिपल में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हैं और राइट एंगल पर हैं। तो गौर से देखिए तो ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अपवर्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री है। मैंने भी आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आइंस को एक्सेलरेट कराना है, तो ऐसे ही होगा। ये पॉजिटिव आइंस एक्सेलरेट होंगे स्लिट S2 की तरफ क्योंकि स्लिट S2 नेगेटिवली चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड का काम उसको सर्कल में डिफ्लेक्ट करना है। यह आपने चैप्टर 14 में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में रोटेट कराती है। आप राइट हैंड रूल चैप्टर 14 वाला यहां लगाएं तो आपको पता लग जाएगा इस तरफ क्यों डिफ्लेक्ट होता है, ऑपोजिट क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ। यहां एक डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स हैं जो नंबर ऑफ आयंस को काउंट कर सकते हैं। तो अब आइसोटोप्स कैसे सेपरेट होंगे उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं हम। चैप्टर नंबर 12 में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क डन बाय द बैटरी या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करती है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पोटेंशियल में वी नॉट है तो मतलब यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की है या बैटरी ने जो वर्क किया है वो वी नॉट है। लेकिन यहां यूनिट चार्ज तो नहीं है, आइन पर तो प्लस ई चार्ज है। कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस ई चार्ज आइन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, यहां हम पॉजिटिव आयंस की बात करें तो वर्क डन ऑन ई यूनिट चार्ज इज वी नॉट, तो वर्क डन ऑन ई चार्ज विल बी वी नॉट ई, यूनिटी रूल के एक कूलम चार्ज पर वी नॉट वर्क हो रहा है तो ई चार्ज पर वी नॉट ई। अब यही वर्क जो बैटरी ने किया है या जो एनर्जी सप्लाई की है, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो वी नॉट ई इज कन्वर्टेड इंटू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी। अगर आप यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करें, टू उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एम इधर आगे डिवाइड होगा, तो वी स्क्वायर की ये वैल्यू आएगी और अंडर रूट वी है, ये वेलोसिटी ऑफ आयन है जो एस वन से एस टू तक जा रहा है। अब इसके बाद ये आयन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया और वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला चैप्टर 14 में, चार्ज पार्टिकल क्यू वी बी साइन थीटा, इसमें क्यू जो है वो चार्ज ऑन द पार्टिकल है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा एंगल बिटवीन वी एंड बी है। अब आर जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, सेमी सर्कल का रेडियस है और एम वी स्क्वायर बाय आर, आपने चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में प्रूव किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर है। अब यहां जो थीटा है वो 90 है, वो किस तरह देखिए, ये वेलोसिटी इस तरह अपवर्ड है चार्ज पार्टिकल की, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है तो वेलोसिटी इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो वी और बी में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। इस आयन पर चार्ज प्लस ई है, अब ये साइन 91 है। अब यहां से अगर आप गौर से देखें तो वी और ये स्क्वायर कैंसल हो गया और इस तरह आपके पास ई बी इक्वल टू एम वी बाय आर आ गया। अब इसमें से आप मास की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उसके लिए रेडियस इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी डिवाइड होगी, तो ये मास ऑफ आयन आ गया, वेलोसिटी ऑफ आयन यहां अगर पुट करेंगे तो आपके पास मास का फॉर्मूला ये आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू। अब दोनों तरफ स्केयरिंग करें तो एम स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर बी स्केयर आर स्केयर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये मास जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई। अब अगर आप इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करें तो ये मास और ये स्केयर कैंसल, ये ई और ये स्केयर कैंसल और आपके पास ये मास ऑफ आयन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो मास ऑफ आयन का फॉर्मूला है, यहां से प्रूफ हो रहा है कि मास ऑफ आयन रेडियस के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर तीन तरह के मैसेज होंगे आयंस के तो तीन तरह के रेडियस होंगे, दो तरह के मैसेज होंगे दो तरह के रेडियस होंगे। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नियॉन आयंस से किया है तो अभी मैंने आपको बताया था नियॉन के तीन तरह के मैसेज होंगे तो तीन तरह के रेडियाई होंगे, यानी यहां पर ये जो सर्कल्स बनेंगे ये तीन तरह के होंगे। अब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट क्लोरीन से करेंगे तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, दो मैसेज हैं तो दो रेडियाई होंगे। हाइड्रोजन से करेंगे तो उसके भी तीन मैसेज हैं, तीन आइसोटोप्स हैं, तीन रेडियाई होंगे। अब अगर आप इन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस देखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये रिलेटिव अबंडेंस क्या है, रिलेटिव अबंडेंस से मुराद ये है कि कौन सा आइसोटोप कितना ज्यादा या कितना कम पाया जाता है। मसलन अगर तीन आइसोटोप्स हैं तो रिलेटिव अबंडेंस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आइसोटोप 70% होता है, एक 20% होता है, एक 10% होता है। अब अगर आप यहां गौर से देखें तो मास बी स्केयर के भी प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आप फील्ड स्केयर की वैल्यू एक तरफ रखें, नंबर ऑफ आइंस जो कि ये डिटेक्टर काउंट करेगा वो एक तरफ रखें और ग्राफ बनाएं। तो आप देखें नियॉन के लिए ये तीन पीक्स बन रही हैं, तीन पीक्स का मतलब तीन आइसोटोप्स हैं और जो पीक सबसे ऊपर है उसके नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा है, यानी वो सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप है, तो नियॉन 20 वाला सबसे अबंडेंट है और सबसे कम 21 वाला। जैसे कि आपको पता, अगर आप यही एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन के साथ करें तो आपके पास पीक्स तो तीन आएंगी लेकिन वो इस सिचुएशन में होंगी। इसका मतलब है कि सबसे अबंडेंट 1H1 वाला, जिसे प्रोटियम कहते हैं या प्रोटियम कहते हैं, सबसे ज्यादा यही है, सबसे कम 1H3 ट्राइटियम या ट्रीटियम। तो आपको रिलेटिव अबंडेंस भी पता लगती है यहां से जी। अब मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल कि अगर किसी एलिमेंट के लिए इस ग्राफ में सिर्फ एक पीक आए तो उसका क्या मतलब होगा। नंबर दो,
मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप यही एक्सपेरिमेंट क्लोरीन से करेंगे तो कितनी पीक्स आएंगी और एक पीक का दूसरे पीक से क्या रिलेशन होगा। एक और सवाल जो यहां बनता है, मैंने कहा कि बी स्क्वायर लिखा मैस की जगह, कि मैस और बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। आपको पता है दो चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं जब बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि मैस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी अगर रेडियस, फील्ड और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो। ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट होती हैं, तो अब रेडियस कैसे कांस्टेंट रखा जाता है? इन सवालों का जवाब तलाश कीजिए और इंशाल्लाह यूट्यूब के थ्रू हमारी आपसे इंटरेक्शन होगी और मैं इन सवालों का जवाब भी आपको देने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया।